क्लास 4 कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब जो हैं वो सेफ एंड साउंड होंगे और दिल लगाकर अपना डेली बेस का काम कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, एज यू नो हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। क्या नेम था उसका? एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने के लिए हम जो वर्ब एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो आज हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर सी और डी सॉल्व करनी है। सो जल्दी से अपनी ग्रामर स्किल्स की बुक निकालें पेज नंबर 30 और उस पर आज की डेट लगाएं। सो टुडे इज़ 5 यानी 5 मई 2021, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर सी है हमारी, कंप्लीट द ओल्ड सेइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। यूज द वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ओल्ड सेइंग है, यानी कि पुरानी कहावतें हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई आपको ना पता हो या हो सकता है सारी आपको ना पता हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें एडजेक्टिव पुट करते जाएंगे मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट थी हाफ अलूफ इज़ बेटर देन नॉन, यानी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन हो रहा था तो गुड की कंपेरेटिव फॉर्म क्या होती है? बेटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? बेटर। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट होम इज़ डैश। अब यहाँ देखिए, सब में से किसके बारे में बात की जा रही है? घर, यानी कि घर को इन सब के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो हम जब ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कौन से एडजेक्टिव लगाते हैं? सुपरलेटिव। तो गुड की सेकंड फॉर्म तो बेटर हो गई, तो इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होगी? बेस्ट। वेरी गुड, गुड की सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी है? बेस्ट। यानी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में से सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? घर इंसान का, ठीक है। द पेन इज डैश देन अ सॉर्ड। जो पेन है, कलम है, वो तलवार से बेहतर है। अब यहाँ पे देखें, पेन का कंपेयर सिर्फ और सिर्फ सॉर्ड के साथ ही, तलवार के साथ हो रहा है। मींस हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कौन सी फॉर्म आनी है? कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव हम कैसे लिखेंगे? वाई को ख़त्म करके आई लगाएंगे और क्या लगाएंगे इसके साथ? ER। तो ये बन जाएगी माइटियर, MIGHTIER, माइटियर, ठीक है। नेक्स्ट है हिज बार्क इज डैश देन हिज बाइट, बैड। यानी कि उसका भोंकना उसके काटने से बुरा है। अब यहाँ पे देखिए, उसकी दो क्वालिटीज़ के दरमियान डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो बैड की सेकेंड यानी कि कंपेरेटिव फॉर्म बैडर नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट होते हैं बैड गुड इस तरह के। बैड की सेकेंड फॉर्म होती है वर्स, WORSE, वर्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, ठीक है। नेक्स्ट है डैश लेट देन नेवर, यानी कि कभी ना आने से लेट आना बेहतर है। यानी अब हम यहाँ पे दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, इट्स मीन गुड की हमने कंपेरेटिव फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। तो गुड की कंपेरेटिव फॉर्म क्या है? बेटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? बेटर। बेटर लेट देन नेवर, यानी कि कभी ना आने से लेट आना अच्छा है। उसके बाद है द ग्रास सीम्स डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। यहाँ पे क्या है? ग्रीन, यानी कि इस तरफ की घास जो है वो उस तरफ की घास से ग्रीन है। यानी कि अब हम दो जगह की घास को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कौन से यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएंगे? कंपेरेटिव, ठीक है। तो ग्रीन की कंपेरेटिव फॉर्म होगी ग्रीनर, GREENER, ग्रीनर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ब्लड इज डैश देन वाटर। और यहाँ पे क्या है? थिक, यानी कि जो खून है वो पानी से गाढ़ा होता है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ब्लड को और वाटर को। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? कंपेरेटिव। इट्स मीन थिक से ये बन जाएगा थिकर, THICKER, थिकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द डैश योर पोजिशन द डैश योर फॉल, यानी कि जितनी ऊंची आपकी पोजीशन होगी उतना ही बुरा आप नीचे गिरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी दो सिचुएशंस की बात की जा रही है, इट्स मीन हाई की हमने यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म लिखनी है द हायर योर पोजीशन, यानी जितनी ऊंची आपकी जो है वो शनाख्त होगी, द डैश यू फॉल, उतना ही बुरा आप नीचे गिरोगे। तो हैवी से इसकी सेकेंड यानी कि कंपेरेटिव क्या बन गई? हैवियर, HEAVIER, हैवियर। गॉट इट? वेरी गुड।
चलिए अब हम उसकी एक्सरसाइज नंबर डी देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट कंपैरिजन. अब यहाँ पे आपने खुद वर्ड्स लगाकर इसको कंप्लीट करना है, एडजेक्टिव लगाकर कंप्लीट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है एज डैश एज मंकी, इतना ऐसा जैसे कि मंकी, यानी कि यहाँ पे अब हमने मंकी की एक क्वालिटी लिखनी है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिकी, यानी कि जिसकी चिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर को निकली होती हैं. ठीक है, एज चिकी एज मंकी. नेक्स्ट है एज डैश एज किटन, इतना डैश जैसे कि बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का बच्चा आपको पता ना शरारती होता है, हर वक्त खेल कूद में उसका ध्यान होता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेफुल. प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है खेल का शौकीन. एज प्लेफुल एज अ किटन. ठीक है, एज डैश एज अ बैट, इतना डैश जैसे कि चमगादड़ होता है, और चमगादड़ दिन के टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ब्लाइंड, इतना अंधा जैसे कि चमगादड़. नेक्स्ट है एज डैश एज अ लैम, इतना डैश जैसे कि लैम यानी मेंढा, बकरी का बच्चा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज डैश जेंटल, जेंटल कहते हैं शरीफ, ठीक है, मासूम सा. बिल्ली का बिल्ली का कह रही हूँ, गोट का जो बच्चा होता है बकरी का, वो जेंटल होता है ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीला सा होता है. ठीक है, एज डैश एज लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली. ठीक है, एज लेजी एज, इसकी जगह पे आप फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो फास्ट भी होती है, तो आप दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एज डैश एज अ लार्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्पी, एज हैप्पी एज अ लार्क. सो स्टूडेंट, इसका जो बी पार्ट है वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर ई के साथ सॉल्व करेंगे. आज हमने यहाँ तक काम करना था. आज हमने की एक्सरसाइज नंबर सी, जिसमें हमने एडजेक्टिव के दोनों फॉर्म्स को यूज़ किया, और हमने की एक्सरसाइज नंबर डी, जिसमें हमने खुद एडजेक्टिव्स लगाकर कंपैरिजन किया है. आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. इसको नीट हैंड राइटिंग में आपने ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस लास्ट में करनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.